जय सियाराम दोस्तों, पिछले व्लॉग में हम मुनस्यारी से निकले थे बैरीनाग जाने के लिए, मगर एक पहाड़ पे बारिश से पहाड़ की मिट्टी रोड पे आ गिरी। इस वजह से रास्ता बदलना पड़ा और हमें जाना पड़ा बैरीनाग, तो हमें बीच में ही रुकना पड़ा बैरीनाग में। और आज हम निकल रहे हैं बैरीनाग से भीमताल के लिए, जो कि नैनीताल के पास में ही है। क्योंकि नैनीताल हम पहले ही कवर कर चुके थे, इसलिए आज हमने डिसाइड किया कि भीमताल जाके वहाँ एक्सप्लोर करेंगे। तो फिर क्या था, होटल से चेकआउट किया और अपनी बाइक पे सारा सामान लोड किया और निकल गए अपने अगले पड़ाव के लिए। दोस्तों ये देखो खूबसूरत व्यू, और आज हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन भीमताल के लिए और निकल रहे हैं बैरीनाग से। आप में से बहुत से लोगों ने इस लोकेशन के बारे में नहीं सुना होगा। बहुत ही प्यारी छोटी सी हिल स्टेशन है और काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है, और काफ़ी लोगों को नहीं पता है इस चीज़ के बारे में, इस प्लेस के बारे में। तो अगर मौका मिले तो ज़रूर आएँ। और रोड्स की कंडीशन यहाँ बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, क्योंकि NH 309A मिलता है, इसको लेके जाता है, और पूरा रोड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने ऑलमोस्ट 50-60 की क्रूजिंग की है रात के टाइम पे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे और सेफ भी था, क्योंकि रात को ज़्यादा चलता नहीं है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये देखो कितने प्यारे प्यारे ये मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर्स हैं, और वो हमारी खड़ी बसंती। तो हम नीचे बैरीनाग में थे, बैरीनाग से थोड़ा ऊपर आए हैं, यहाँ से आ रहे हैं हिमालयन व्यू। तो वो मैडम को देखना था, बड़ा परेशान कर रखा था इन्होंने मुझे, तो मैं यहाँ लेके आऊँ। ये यहाँ से ना हिमालयन व्यू का अच्छा व्यू आता है, अभी तक जितना है सबसे अच्छा व्यू आता है। तो यहाँ चलते हैं थोड़ा सा व्यू देखने के लिए। तो वो देखो वो पहाड़ी चोटियाँ दिखाई दे रही हैं। आज वेदर काफ़ी अच्छा है, खुला हुआ है, तो हिमालयन रेंज दिख रही है काफ़ी, तो अच्छा लग रहा है देख के। और साथ में प्रोटीन बार भी खाया जा रहा है, तो अच्छा है ना, ब्रेकफास्ट करने में थोड़ा टाइम है अभी, तो प्रोटीन बार खा के थोड़ा पेट हो जाएगा ठीक। और हिमालय रेंज काफ़ी अच्छी दिख रही है। ये इस तरह की ना विलेजेस या टाउन मुझे बहुत पसंद है, इसके बीच से रास्ते से ना आपको पहाड़ दिखता है। ये देखो बीच से बिल्कुल बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं आपको। रात को आए थे क्योंकि हमेशा दिखा नहीं था, अभी जा रही है तो दिख रहा है। तो दोस्तों ये हमने अल्मोरा वाला रूट लिया है, जो बैरीनाग के आगे से होके गुजरता है। एक रास्ता निकल जाता है पाताल भुवनेश्वर की तरफ, और एक रास्ता अल्मोरा की तरफ से कटता है। वहाँ से आप डाइवर्ट हो सकते हैं और जा सकते हैं भीमताल की तरफ। तो हम अल्मोरा होके फ़िलहाल निकल रहे हैं, और ये रोड मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मतलब पहले वाले रूट से भी ना क्वालिटी इनकी अच्छी है, और मतलब इतना ज़्यादा क्राउड भी मुझे दिख नहीं रहा है। तो रोड अच्छे हैं और फिलहाल व्यूज़ भी अच्छे हैं और सीनरी भी बहुत खूबसूरत है, तो जर्नी अच्छी होने वाली है। ये दोस्तों एक और वाटर क्रॉसिंग, पैर ऊपर रखना। आराम से निकल गया, पानी वानी नहीं गया कहीं। आगे चलते हैं, हम रेडी हैं वाटर क्रॉसिंग के लिए, काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है अब तो। एक छोटा सा इधर ब्रेक लिया पानी वानी पीने के लिए, थोड़ा हेलमेट को थोड़ा सेटअप कर रहा था। कहीं आगे से झरना बह रहा है या नदी बह रही है, क्योंकि आवाज़ आ रही है, शायद आगे मिलेगा। चलते हैं 11 बजे तक। कितना डिस्टेंस है अभी? 147 डिस्टेंस है, और एस्टिमेट टाइम 5 घंटे 15 मिनट, तो उसको 4 घंटे में लाना है मेरे को। तो चलते हैं दोस्तों, 4-5 घंटे, मतलब 5 घंटे भी है तो भी हम 5 बजे तक पहुँच सकते हैं। और आज हम सही टाइम से निकले थे, सोच रखा था कि भाई लंबा राइड है, आराम से जाएंगे, धक्का मुक्की नहीं करेंगे, तो हो जाएगा आज, इतना दिक्कत नहीं होगी। और थोड़ा लंबा मैं खींचूंगा भी, क्योंकि कल रात से ही मैं स्पीड मोड में हूँ। कल रात तो जो मैंने बाइकिंग किया ना भाई, मैंने अपनी लाइफ में ऐसी बाइकिंग नहीं की है भाई। ऐसे मोड पर 50-60 चलाना ना इम्पॉसिबल है। अगर आप एक अच्छे राइडर हो ना, स्पीड से तो चला लोगे, कोई भी चला लेगा स्पीड लेके,
लेकिन जो कर्व्स आते हैं ना, जो कट्स आते हैं, वहाँ से आपको स्पीड मेंटेन करना, आपको गियर और पोजीशन चेंज करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो वही मैंने कॉर्नरिंग करना पूरा सीख लिया है। तो एक अच्छी चीज़ यह है कि आज बारिश नहीं हो रही, बारिश का कोई सीन नहीं है। और आगे लग रहा है मुझे वाटर क्रॉसिंग है भैया, हमको डर लग रहा है लेकिन नहीं है। वाह, नदी बह रही है, सुंदर, पावन, पवित्र, और पानी कितना साफ है भाई साहब, बिल्कुल वाइट। सबसे अच्छी चीज़ कि आज वेदर बहुत सुहाना है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है, मगर सूरज देवता हैं और फिलहाल बारिश का कोई चांस नहीं है। और यहाँ पहाड़ों का कुछ पता नहीं, बारिश कभी भी हो जाती है। देखो कितना छोटा सा स्पेस था, और ये ट्रक वाले वैसे भी आपको स्पेस नहीं देते हैं। और ये देखो सामने सुहाना, गाना गाने का मन कर रहा है। कौन सा गाना है वो? सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाएं कहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी। वाटर क्रॉसिंग ने तो हमारा हाल बुरा कर दिया है, बहुत वाटर क्रॉसिंग है भैया इस रीजन में। मैंने तो ऐसे ऐसे सीन देख लिया वाटर क्रॉसिंग के। हाय हाय, ऐसी वादियां छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा, मगर प्रकृति हम वापस फिर आएंगे तेरी वादियों में। धीरे धीरे ही निकालूंगा मैं, क्योंकि भाई लगेज गीला नहीं करना है हमका। ऑल गुड, लगेज बहुत गीला हो जाता है यार, और पैर भी। कल तो भैया पूरा टाइम ना पैर गीला ही था। तो भैया एक चीज़ काम करना कि ऐसी जगह पे आना ना जहाँ वाटर क्रॉसिंग है, तो भैया शूज़ वाटर प्रूफ ही होने चाहिए। आई मस्ट रिपीट, वाटर रेजिस्टेंट नहीं होने चाहिए, शूज़ वाटर प्रूफ होने चाहिए, और हाई एंकल वाले शूज़ होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना आपको पत्थर, मेरे भी एक दो बार गिरे हैं, पत्थर पैरों पे लगा है, क्योंकि इससे टायर से टकरा के एडजस्ट लगते हैं कई बार। सूरत सी रिवर, दोनों साइड से पानी, ये देखो दोस्तों एक और पैच। बाप रे बहुत बुरा है, यहाँ स्लाइड उस हुई थी पक्का। ये देखो बाद में क्लीन करा इसको। वाह क्या ब्यूटीफुल व्यू है वैली दोस्तों, ये है वैली, बहुत ही डरावनी वैली। कितनी डरावनी है, पत्थर ही पत्थर, बीच से रास्ता जा रहा है और हम चल रहे हैं इस रास्ते पे, आसपास की खूबसूरती देखते हुए। तो ये है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में पत्थर बहुत सारे लगता है। दोस्तों एक मस्त सा वाटरफॉल है, हमें निकालना होगा ऊपर से, लेकिन ऊपर भी एक गड्ढा है, तो हमें नीचे से ऐसे निकालना होगा। जय माता दी, लेट्स रॉक। हमको लगा ही था, चलो पानी तो नहीं है लेग्स शूज में। पहाड़ों पे खास तौर से ना इंजन ब्रेकिंग यूज़ करनी चाहिए। इंजन ब्रेकिंग से क्या है कि आपके जो ब्रेक पैड होते हैं उन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आता और ख़राब नहीं होते वो, तो इंजन ब्रेकिंग काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है ऐसे ट्रेल्स पे। मैं इंजन ब्रेकिंग लास्ट टाइम इतना यूज़ नहीं किया था, लेकिन इस वाले ट्रेल्स में ना मैंने इंजन ब्रेकिंग बहुत यूज़ की है। तो
तो दोस्तों बारिश की बूंदें अब पड़ने चालू हो चुकी हैं। सुबह सुबह निकले थे तो कहीं से नहीं लग रहा था कि बारिश आज होगी। जैसे कि मैंने बताया कि पहाड़ों पे पहाड़ अपना मौसम खुद बनाते हैं, वैसा ही कुछ होते हुए क्योंकि बारिश की बूंदें पड़ने लगी हैं। और बादल तो खैर इतना नहीं है, छोटे बहुत पैचेज हैं बादल के, तो पता नहीं बारिश का क्या मूड है। तो थोड़ा जल्दी चला रहा हूँ मैं कि कोई शेल्टर मिल जाए कि एकदम से बारिश हो ना जाए, वरना हम भीग जाएंगे और वो होना सही नहीं है क्योंकि अभी भी 100 किलोमीटर है। अब बारिश देखो, आगे नीला आकाश है, फिर भी बारिश पता नहीं कैसे हो रही है। तो चलते चलो, सफ़र खूबसूरत है, रास्ते अच्छे हैं और मंजिल थोड़ा दूर है, तो सफ़र का आनंद लेना चाहिए, मंजिल तो मिल ही जाएगी। तो यूं ही बने रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी जर्नी आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें, और हो सके तो इस दोस्त को थोड़ा सपोर्ट करें क्योंकि आपके सपोर्ट के सहारे ही हमारी गाड़ी चल रही है। आगे देखो वाटरफॉल है, वो तेरी की। निकलने दो भाई, पहले बस को निकलने दो, बस इसी को कहते हैं एडवेंचर। 4x4 व्हीलर के अंदर बैठ के खिड़की से झांकते हुए क्या ही नज़ारे दिखेंगे भाई। भाई साहब, जब आपके पास आपकी धन्नो हो, लेके उड़ पड़ो हेलमेट लगा के और 360 डिग्री के व्यूज़ देखो और हवा को महसूस करो। क्या सनरूफ और क्या विंडो खिड़की, उसके कंपेयर में ये जो है ना, ये एक्सपीरियंस एक बार राइड करोगे ना, एडिक्टेड हो जाओगे और 4x4 में आना बंद कर दोगे। ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी कोई सी भी हो, स्प्लेंडर है, सिटी 100 है, कोई सी भी हो, निकल पड़ो, जहाँ रास्ते आपको मिले निकल पड़ो, जहाँ पे आपका मन करे निकल पड़ो। और वाटर क्रॉसिंग, हाँ ऊपर से ले रहा हूँ। बहुत वाटर क्रॉसिंग है इस रूट पर भाई साहब, एक तो बारिश भी हुई है, बारिश की वजह से भी अभी शायद ऊपर भी गए कोई, अभी 3-4 तरह से मिल चुके हैं। ये बोर्ड लगा है, पुनः आगमन हेतु धन्यवाद, आपकी यात्रा मंगलमय हो, अल्मोड़ा। दोस्तों ये एक छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे 5 मिनट के लिए थोड़ा हाथों को ग्लव्स चेंज कर रहा हूँ, ये ग्लव्स जो ना थोड़े ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं, तो ग्लव्स चेंज कर लेता हूँ। और ये है मेरे असली वाले ग्लव्स जिनको पहन के मैं चलाता हूँ, ये रॉयल इनफील्ड के हैं और अच्छे लगते हैं काफ़ी, है ठंड में भी काफ़ी प्रोटेक्ट करते हैं और की क्वालिटी भी अच्छी है। तो दोस्तों ये एक वैली है, यहाँ पे रुका है लेगेज टेस्ट करने के लिए, व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से, तो अल्मोड़ा की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से अभी 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, तो इतने अच्छे व्यूज़ हैं, तो थोड़ा सोचा लेगेज टेस्ट कर लेती हूँ, पीते ही कंटिन्यूसली राइड करते करते ना पैरों में नस चढ़ने का चांसेस होता है। निकलते हैं फिर आगे, किसी स्टॉप पे दिखेंगे कि क्या चांसेस बन रहे हैं हमारे, ना 2 घंटे हो जाए फिर चलते हैं, तब तक बम्स वगैरह स्ट्रेच करके ऐसे बैठ के अच्छा लगता है। तो दोस्तों यहाँ से ये जनपद अल्मोड़ा है, मतलब अल्मोड़ा के अंदर आता है, तो हमें यहीं अंदर से निकलना होगा, कोई रास्ता जा रहा होगा, एक नैनीताल की तरफ जाता है और एक ये रास्ता कटता है, तो इसी रास्ते पे निकल रहे हैं, पहुँच जाएंगे धीरे धीरे, थोड़ा रिहायशी इलाका लग रहा है। मैंने देखा ही नहीं, निकल गया नहीं, मैंने मेरे को लगा कोई कपड़ा है, तो जब देखा ना वो मूव हो रहा था तब मेरी फट गई कसम से, थैंक गॉड यार मैंने गाड़ी नहीं चढ़ाई उस पर। तो दोस्तों आगे पीछे पीछे हम जब निकले ना
तो वहाँ पे एक सांप था रोड पे पड़ा हुआ, ये ब्राउन कलर का, पर मुझे लगा कि वो कोई कपड़ा है जैसे आमतौर पे रोड पे होते हैं, क्योंकि नज़र हमारी रोड पे सामने थी। और जब लोग थोड़ा शाउट कर रहे थे, सारे लोग जा रहे थे, तब मैंने देखा। और जब मैंने निकाला वहाँ से, तो वो ऊपर की तरफ आ रहा था, फन मार रहा था, और गाड़ी मैंने एक अगला पहिया निकाल दिया था, उसके ऊपर से नहीं निकालता, उसके साइड से निकालता। मैंने नीचे की तरफ देखा तो सांप ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो, मेरी जो फटी भैया। फिर मैंने थोड़ा सा आगे निकाला, क्योंकि गियर जो था ना वो नहीं था इसलिए। और भैया थैंक गॉड उसके ऊपर चढ़ाया नहीं, नवरात्रि का पहला दिन है, पाप हो जाता। और नवरात्रि का क्या, कैसे भी अच्छा नहीं लगता किसी जानवर के ऊपर से ऐसे हो गलती से भी। तो ये अल्मोड़ा के व्यूज़ हैं, यहाँ टूरिस्ट काफ़ी आते हैं अपनी स्कूटी बाइक लेके यहाँ पे रेंट करके, तो यहाँ रुकते हैं। अच्छी जगह है घूमने के लिए, लेकिन हमारे मन को इतना नहीं भाई, ये दूसरी बार आ रहे हैं। इससे पहले भी हम जब जा रहे थे मुंशियारी, तब हम यहाँ रुके थे एक दो घंटे के लिए, क्योंकि मैम को ट्रेंड से कुछ लेना था कपड़े वगैरह, तो लेने के बाद फिर हम निकल गए थे। अभी हम वापस जा रहे हैं उसी रूट पे। तो दोस्तों ये हैं कुछ अल्मोड़ा के व्यू, काफ़ी अच्छा है, मगर अंदर से जो मॉल रोड वगैरह ना वो मुझे इतना पसंद नहीं आया, बहुत क्राउड था यार, क्राउड से अपना को अच्छा नहीं लगता। और बाकी ऐसे वादियाँ अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, नो डाउट अल्मोड़ा देखने लायक है, तो रोड बहुत अच्छे हैं। और आप आ सकते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, यहाँ कुछ जगह भी हैं जहाँ विज़िट कर सकते हैं, तो अगर अपने व्हीकल पे घूमेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि रोड्स अच्छे हैं, आपको वादियाँ अच्छी व्यू दिखेंगे, मौसम भी अच्छा है। अल्मोड़ा का पैटर्न देखो भैया, आई थिंक अल्मोड़ा की यही खूबी है कि आपको यहाँ पैटर्न दिखते हैं, बहुत अच्छे पैटर्न व्यू दिख रहे हैं यहाँ पे, सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम दिस पैटर्न व्यू, है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वादियाँ काफ़ी अच्छी हैं, थोड़ा गर्म गर्म लग रहा है क्योंकि सूरज निकला हुआ है, और यहाँ पेट्रोल पम्प बनने की तैयारी है। और हमारी बसंती के पास अभी पेट्रोल है, पहुँचते पहुँचते देखेंगे, ज़रूरत पड़ी तो टॉपअप करवा लेंगे। हाय क्या वादियाँ हैं भाई अल्मोड़ा की, आना चाहिए भाई, एक बार मैं भी आऊँगा, रुकूँगा यहाँ एक दिन। तो हमें ब्रिज क्रॉस करना है भैया, आगे रास्ता बहुत ख़राब है। देखो नदी कितनी खूबसूरत लग रही है, और ख़राब वाला रास्ते से हमको जाना होगा। ये रास्ता बड़ा ख़राब है भैया, इसमें स्लाइड्स हुई थी, थोड़ा दूर से चलाएं। ये देखो काम चल रहा है अभी भी, स्लाइड्स होने के बाद दे आर वर्किंग। अच्छा है रास्ता साफ कर दिया, निकल जाएंगे। ओ तेरी स्लाइड्स यहाँ तक आई है भाई साहब, देखो पूरा पहाड़ गिर चुका है यहाँ पे भी, काफ़ी गंदा स्लाइड हुआ है यहाँ पे तो। ओ तेरी सीरियसली घर भी टूट गया, स्लाइड एसयूवी की पीछे वाला घर टूट गया यार, दैट इज़ डेंजरस अनफॉर्चुनेट। देखो अरे सारा मलबा निकाल के सब डाला हुआ है, पूरी पहाड़ी गिर गई है। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ यार, घर को तकलीफ होती है तो दर्द होता है। तो देखो पेट्रोल पंप है, यहाँ तक पहाड़ी है। ये यहाँ तक ये सारे स्लाइड्स हुए हैं, पूरी पहाड़ी गिरी है क्या? बाप रे कितना बड़े चट्टाने गिरी हुई है,
पूरा पहाड़ इस तरफ गिरा हुआ है, मुझे लगता है आगे तक काफी गया हुआ है। रियली डेंजरस मैन। आगे देखो, आगे भी स्लाइड्स वगैरह हैं। ये एरिया काफ़ी डेंजरस है, देख रहे हैं ऐसे ही नीचे पूरा गिरा हुआ ऊपर से। तो भाई साहब बहुत बुरे हाल हैं इस तरफ के, ये पैचेस बहुत डिफिकल्ट रहा होगा बारिश के टाइम पे। ये देखो सारी चट्टानें गिरी हुई हैं। डेंजरस लग रहा है भाई इधर से राइड करना, सीरियसली देख के हालत खराब हो रही है। ये देखो ये सब गिर गया है। ये देखो भाई साहब काम चल रहा है यहाँ पे। इस पैच में ना बहुत दिक्कतें हैं भाई साहब, बहुत लंबा वर्क चल रहा है यहाँ पे। देखो पहाड़ों के बीच में मकानों में घुस चुका है। भाई साहब ये पैच बहुत 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 ज्यादा खराब है। यहाँ पे भी वही हाल है भाई, बहुत बुरी कंडीशन है, तेरी धूल ही धूल। आगे भी वही हाल है भाई, आगे भी वही हाल है, पता नहीं कहाँ तक ये मिलेगा ऐसा। डे नाइट काम कर रहे हैं ताकि हम लोग घर पहुँच सकें। ये रोड़ी रोड़ी है, देखो धूली धूली। इस पैच में तो वार लगा दिया है। तो 5 बजने वाले हैं, थोड़ा खींच के रखना है मुझे ताकि टाइमली पहुंच जाएं। ये यहाँ से लैंडस्लाइड हुई थी लास्ट टाइम और पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहे थे, तो बहुत ये मेरा लाइफ का पहला था कि किसी लैंडस्लाइड साइड से मैं निकल रहा था, और ये इधर ही से यही पॉइंट था जहाँ से पत्थर गिरे थे। तो दोबारा से काम यहाँ चालू है और आगे से देखो पेड़ कैसे गिरा हुआ है। ये तो इतना ख़तरनाक लैंडस्लाइड होता है यहाँ पे कि पूछो मत। बारिश हुई नहीं कि यहाँ लैंडस्लाइड चालू, ये देखो पूरा ऊपर से गिरा हुआ है। ये देखो यही पत्थर थे, ये सारे गिरे हुए ऊपर से। और आगे भी काम चालू है, और यहाँ से सिर्फ कुछ ही एक घंटे के अंदर हम पहुँच जाएंगे और फिर धूम धड़ाका होगा भीमताल में। आई वॉज एक्साइटेड भीमताल के लिए क्योंकि नैनीताल का तो मुझे आइडिया था, और भीमताल के लिए थोड़ा एक्साइटेड हूँ कि कैसा है, कैसी जगह होगी, कहीं ऐसा ना हो मिनी नैनीताल निकलें। देखते हैं क्या होता है आगे जाके। और ये यहाँ पे बाइक को हमने थोड़ी देर रुका है और 10 किलोमीटर बचे हैं यहाँ से, होपफुली सही टाइम पे निकले तो आज रात में ड्राइव नहीं करनी पड़ेगी, उस चीज़ के लिए बहुत रिलीफ है। तो ये देखो कुछ नज़ारे,
क्लाउड्स कैसे ऊपर माउंटेन्स को टच कर रहे हैं। तो बस अब पहुंचने वाले हैं, फिर पहुंच के आपको दिखाता हूं हमारा रिजॉर्ट। तो हम भीमताल में आ चुके हैं और ये यहां का मॉल रोड है। यहां का मॉल रोड मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, सत्ताल मुक्तेश। तो नीचे अब अपना होटल देख रहे हैं कहाँ है, अभी शायद 5-7 किलोमीटर दूर है, तो आई थिंक ये पूरा नीचे ही जाना होगा आई थिंक, तभी मिलेगा। और दूसरा ये वाला जो होटल है ये बिल्कुल लेक व्यू के पास है, तो देखना है कि वहाँ से व्यू कैसा आता है। अच्छा व्यू आना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो होटल लिया था नैनीताल में वो थोड़ा पहले लिया था, उसके बाद मैंने सोचा कि एक लेक व्यू का होटल लेते हैं जहाँ से व्यू अच्छा आए। तो दोस्तों ये रहा भीमताल का पहला वाटर क्रॉसिंग, और ये प्यार से निकालेंगे हम। चलो यहाँ एटलीस्ट वाटर क्रॉसिंग तो है, नैनीताल में तो वाटर क्रॉसिंग ही नहीं है। होटल है लेक के साथ में पीछे। नमस्कार दोस्तों, कल हम पहुँचे थे भीमताल में और ऐसा सिचुएशन था कि कल हम टाइम पे पहुँच गए थे, क्योंकि हम निकले तो लेट ही थे, लेकिन ऑलमोस्ट 5-6 आवर्स के बीच में पहुँच गए थे रेस्ट लेते हुए। तो हमें जो बैरीनाग से बड़ा इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, रास्ते थोड़े ख़राब थे क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई थी, बाकी सब कुछ ठीक था। बाकी यहाँ पे आने के बाद ये रूम मैंने बुक किया है यहाँ पे। लास्ट टाइम नैनीताल रुके तो थोड़ा नीचे उग गया था, तो मेरा मन था कि लेक के पास एक ऐसा लोकेशन लिया जाए जहाँ पे थोड़े व्यूज़ अच्छे हैं, थोड़ा देखने में थोड़ा मतलब ना नॉर्मल जगह। तो बाकी ये रूम लिया था, तो ये है 92 चेयर्स हैं और छोटा सा टेबल है, और ये बेड है, बेड अच्छे हैं और कुशन भी अच्छे हैं। बाकी ये है वार्डरोब, और यहाँ पे हमारा सामान है। बाथरूम काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, दो ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि मुझे वॉशरूम बड़ा चाहिए हो। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है आपके होटल का व्यू। तो अपनी व्यू देखते हैं आपको। भीमताल जैसे ही पहुंचे तो काफी सुकून भरा महसूस हुआ। नैनीताल जैसी भीड़ नहीं थी और लेक थी, तो सोचा लेक साइड में ही स्टे करते हैं, थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट फील करेंगे तो पिछली ट्रिप की सारी थकान दूर हो जाएगी। तो छोड़े जा रहा हूँ आपको इस खूबसूरत वादियों के नजारों के साथ।